महात्माओं के आश्रम में आग लगवा दी कंस ने। महात्मा लोग हिताहिता करने लगे और कहने लगे, हे प्रभु कहां सो रहे हो, प्रभु आकर के मेरी लाज बचाओ। अब सभी लोग बैठ जाए अपनी जगह पे, सभी लोग अपनी जगह पे बैठ जाओ। महात्मा लोगों के ऊपर अत्याचार बढ़ता गया, उसके बाद गौशालाओं को विध्वंस करवा दिया कंस ने। महात्मा लोग बेचारे भाग रहे हैं और कंस अपने जवानों से कह रहा है, दुश्मनों जितनी भी गौशालाएं नजर आई आग लगा दो उनमें। तो बेचारी गाय भी इधर उधर भटकने लगी है। बच्चों आप बैठ जाओ। सभी जवान कौओं पर भी अत्याचार करने लगे। आप लोग अब बैठ जाओ, अब बैठ जाओ। महात्मा भी इधर उधर भाग रहे हैं और कौओं के ऊपर भी आफत आ गई, उनकी गौशालाओं में आग लगा दी गई। कौओं को पकड़ पकड़ करके जवान लाने लगे, उनके ऊपर कोड़े बरसाने लगे। गाय भी बैठी बैठी चिल्ला रही है। मेरे गाना तेरी दुनिया में क्या हो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। मारी मारी घूम रही है, इसकी कदर करने वाला कोई
कुत्ता इसी में क्यों सो रहा है, कुत्ता इसी में क्यों सो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। अत्याचार बढ़ता गया, कैसा जमाना आ गया है, ये तो बात रही अत्याचार की, लेकिन हकीकत में कैसा जमाना आ गया है, पहले वाली कोई बात रही ही नहीं, ना पहले वाला घूंघट रहा, ना पहले वाली चुन्नी रही। पहले स्त्रियां जब मुंह झांक लेती थी तो चेहरा नजर नहीं आता था, आजकल की चुन्नी ऐसी है घूंघट हाथ को मार ले वहां की बिल्कुल दिखाती। ना तो चुन्नी ना घूंघट रहा है, कैसा जमाना अजब चल रहा है। और सुनो जमाने जमाने की रफ्तार कहां से कहां पहुंच गई। लड़कियों को देखो, क्या हो रहा है।